हेलो एवरीवन, इंडियन इंस्टीट्यूट टू एमसीक्यू की जो हमारी सीरीज है उसमें क्लास सिक्स की एनसीईआरटी हम कवर कर रहे हैं। पहले ओल्ड एनसीईआरटी को कवर किया जा रहा है और बाद में न्यू एनसीईआरटी को कवर किया जाएगा, क्योंकि क्लास सिक्स की एनसीईआरटी कर रहे हैं तो हो सकता है काफी सारे क्वेश्चन आपको ईजी लगे, लेकिन जैसे जैसे हम क्लास सेवन्थ एट्थ नाइन्थ टेंथ इलेवन ट्वेल्थ की तरफ बढ़ेंगे तो क्वेश्चन का जो लेवल है वो काफी डिफिकल्ट होता जाएगा। दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज प्रिंस लूथरा, ऑल इंडिया रैंक 577। और ये जो एमसीक्यूज हैं आपको यूपीएससी एग्जाम में, पीएससी एग्जाम्स में और जहां पर भी हिस्ट्री से रिलेटेड एमसीक्यूज पूछे जाते हैं जिस भी एग्जाम में, वहां पर हेल्प करने वाले हैं। चाहे तो आप गूगल प्ले पर भी एप्लीकेशन नेटमॉक को डाउनलोड करके वहां पर इन एमसीक्यूज को मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस कर सकते हैं। और आपको ये जो एमसीक्यूज हैं पेन और पेपर को साथ में लेकर जरूर बैठना है ताकि आप अपनी परफॉर्मेंस को मेजर कर पाए। 8 to 10 एमसीक्यूज अगर आप करेक्ट कर पाते हैं तो एक्सलेंट परफॉर्मेंस होगी। 6 to 7 एमसीक्यूज करेक्ट कर पाते हैं तो गुड परफॉर्मेंस होगी। ये आपका सेफ जोन है, यहां पे प्रीलिम्स होने के चांसेस आपके काफी अच्छे रहते हैं। नीचे का जो जोन है ये आपका डेंजर जोन होता है, बिकॉज यहां पे हो सकता है 4 to 5 एमसीक्यूज में जो आपका 40 to 55% वाला ब्रैकेट होता है कि 1 या 2 मार्क्स आपका प्रीलिम्स हो जाए या फिर ना भी हो। तो कोशिश करिए ऊपर के ब्रैकेट्स में आने के लिए। अगर नीचे के ब्रैकेट्स में भी स्कोर आते हैं इवन देन इट इज ऑलराइट, क्योंकि आप हमेशा इंप्रूव करके ऊपर के ब्रैकेट्स में जा सकते हैं। आपको मल्टीपल टाइम रिविजन करनी होगी, जो भी नोट्स आप बना रहे हैं उसको मल्टीपल टाइम रिवाइज करना होगा, या फिर नेटवर्क की एप्लीकेशन पर जाकर इन्हीं एमसीक्यूज को मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करिएगा ताकि जो मिस्टेक्स यहां पर हुई हैं वो यूपीएससी के प्रीलिम्स में या जो भी एग्जाम्स आप प्रिपेयर कर रहे हैं जिस भी एग्जाम के लिए, चाहे वो पीएससी हो या कोई दूसरा कंपेटेटिव एग्जाम हो, वहां पर इस तरीके की गलतियां ना हो। चलिए आज के पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाउ मच पार्ट ऑफ द प्रोडक्शन डिड पेजेंट्स गिव टू द किंग एज ए टैक्स इन अबाउट 500 BC। तो 500 बीसी के आसपास का जो टाइम था वहां पर जो पेजेंट्स लोग हुआ करते थे वो कितना टैक्स दिया करते थे जितना भी उनका प्रोडक्शन होता था? क्या वो उसका 1/10 दिया करते थे, 1/3 दिया करते थे, 1/6 या नन ऑफ द अबव? देखिए हिस्ट्री में ज्यादातर क्वेश्चन फैक्चुअल ही होते हैं, वो आपको पता होना चाहिए, लेकिन जो इनिशियल हमारी क्लासेस होती हैं 6, 7, 8 वहां पे कॉन्सेप्ट इतने ज्यादा नहीं होते हैं बुक्स में, तो इस तरीके के क्वेश्चन होंगे जो कि फैक्ट से रिलेटेड ज्यादा होंगे। तो यहां पर हम स्टार्टिंग में जो एनसीईआरटीज हैं फैक्चुअल क्वेश्चन हमारे जो होंगे वो ज्यादा आएंगे। धीरे धीरे जैसे हम 10th और 12th क्लास की एनसीईआरटीज पे जाएंगे वहां पर हमारा नेशनल मूवमेंट होगा और हमारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी स्टार्ट हो जाएंगे। बट आपको फैक्चुअल क्वेश्चन के बारे में पता होना चाहिए, बिकॉज अगर आप देखेंगे लास्ट ईयर के क्वेश्चंस भी काफी सारे फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहां पे वीडियो को पॉज करिए, सोचिए इसके बारे में, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए तो यहां पे आंसर हमारा है सी, 1/6 जो टैक्स होता था वो लोग दिया करते थे, पेजेंट्स लोग दिया करते थे, किसको? किंग को। तो ये 1/6 जो उसका हिस्सा होता था प्रोडक्शन का वो दिया जाता था। और कुछ लोग, कुछ जगह पे तो बुक्स में ये भी मेंशन किया गया था कि 1/4 to 1/6 के आसपास जो टैक्स था वो वेरी करता था। फिलहाल हमारा जो आंसर है यहां पे सी होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसर्निंग कि इनमें से कौन सा मैच करता है, राइट? हमारे लेफ्ट साइड में जो है वो किंगडम्स दी हुई है और राइट साइड में दे रखा है रीजन। तो कौन सी किंगडम किस रीजन में आती थी ये पूछा है। जैसे यहां वत्स किंगडम है वो कह रखा है कि नॉर्थ इंडिया में आती थी, अंग किंगडम जो है वो ईस्टर्न इंडिया में आती थी, कोसला सेंट्रल इंडिया में आती थी और गांधार जो है नॉर्थ वेस्ट इंडिया में आती थी। ये हो सकता है। वीडियो को यहां पे पॉज करना है, सोचिए इसके बारे में, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए इस तरीके के क्वेश्चंस को मैप से समझना ज्यादा आसान होता है बिकॉज आपको याद रह जाती हैं चीजें। अब जो देखिए यहां पे गांधार दे रखा है ये कहां पे? नॉर्थ वेस्ट के अंदर ही है, ठीक है। जो कोसला है आपका ये नॉर्दर्न रीजन के अंदर है, अंगा जो रीजन है, अंगा किंगडम जो है वो ईस्टर्न रीजन में है और वत्सा जो है ये सेंट्रल इंडिया में है, राइट। अब आपने ये इसके आसपास की और भी देख लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में हो सकता है अवंती के बारे में पूछ लें, मत्स्या के बारे में पूछ लें, मगध के बारे में पूछ लें, तो ये भी आपको पता होनी चाहिए। तो यहां पे हम देखते हैं वत्सा जो हमारी थी, वत्सा कहां पे थी? नॉर्थ इंडिया में नहीं थी, सेंट्रल इंडिया में थी। तो पहली जो ये मैच है पेयर वो गलत हो जाएगा। अंगा हमारी वेस्ट बंगाल के पास ही थी ऑफकोर्स, तो ईस्टर्न इंडिया में थी, सही है। कोसला जो थी वो सेंट्रल इंडिया में नहीं थी, वो नॉर्थन इंडिया में थी। तो जो थर्ड है ये भी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। फोर्थ, गांधार हमने सबसे पहले देखा था नॉर्थ वेस्ट रीजन में थी, तो ये हमारा फोर्थ जो है वो करेक्ट है। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा ए, क्योंकि सेकंड और फोर्थ मैच कर रहे हैं, फर्स्ट और थर्ड जो है वो मैच नहीं कर रहे हैं, हमने मैप के थ्रू देखा था। चलिए आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? यहाँ पे दो स्टेटमेंट दी गई है आपको और आपको बताना कि कौन सी करेक्ट है, कौन सा कथन इसमें से सही है। पहला, महावीर एंड बुद्ध वर कंटेम्परेरीज, तो दोनों एक ही समकालीन थे, मतलब एक ही टाइम पर आए थे, हो सकता है। द आइडिया ऑफ नॉन वायलेंस वॉज प्रमोटेड बाय बुद्धिस्ट एंड जैनिज्म बोथ, तो जो नॉन वायलेंस का जो विचार था वो दोनों ही जैनिज्म ने और बुद्धिज्म दोनों ने ही रखा था। काफी आसान सा क्वेश्चन है, सेकंड स्टेटमेंट तो काफी कॉमन सेंसिकल है। वीडियो को पॉज करिए, सोचिए, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए तो यहाँ पे कंटेम्परेरीज का मतलब मैं आपको बता देता हूँ, समकालीन का मतलब यही है कि महावीरा जो थे उनका जो पीरियड था वो 527 BC का था और बुद्धा का जो था वो था 482 400 BC, राइट।
तो यहां पे देख सकते हैं कि ज्यादा डिफरेंस नहीं है उनके टाइम पीरियड में, तो इसी वजह से उनको कंटेम्परेरीज माना जाता है। तो पहली स्टेटमेंट तो आपकी हो जाती है करेक्ट। सेकंड मैंने आपको बताया था काफी कॉमन सेंसिकल स्टेटमेंट है, इस तरीके की इजी क्वेश्चन यूजली नहीं आती है बट कई बार पूछ भी ली जाती है। तो काफी बेसिक सा यहां पे एक विचार उनका दिया गया था कि दोनों ही नॉन वायलेंस में बिलीव करते थे, दोनों ही नॉन वायलेंस को पोस्टुलेट करते थे। तो हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन मैच द फॉलोइंग है, तो पेयर्स दिए गए हैं और आपको मैच करना है। यहां पर महावीरा बुद्धिज्म जैनिज्म सिद्धार्थ एक साइड दिए गए हैं और दूसरी तरफ उनसे ही मिलते जुलते कुछ चीजें दी गई है कि एट फोल्ड पाथ किसने दिया था, जैनिज्म ने, बुद्धिज्म ने, महावीरा ने, सिद्धार्था ने, और उनके शाक्यास का बता रखा है, वैशाली किससे एसोसिएट करता है, ये राइट फेथ राइट नॉलेज किससे एसोसिएट करता है। बिकॉज कई बार काफी कंफ्यूजन होता है जहां पे हम बुद्धिज्म की बात करते हैं और जैनिज्म की बात करते हैं, तो इस वजह से आपको इसके बारे में काफी क्लैरिटी होनी चाहिए। वीडियो को पॉज करिए, मैच तो फॉलोइंग करिए, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए महावीरा की बात करें तो ऑफकोर्स वो वैशाली से एसोसिएट करते हैं बिकॉज उनका जो जन्म है वो वैशाली में हुआ था। तो पहला तो डी के साथ मैच कर गया। अब बात करते हैं इन्हीं से क्योंकि महावीरा जैनिज्म के साथ रिलेट करते हैं। उन्होंने ही जैनिज्म ने ही मतलब यहां पे क्या दिया था, राइट फेथ राइट नॉलेज और राइट एक्शन की बात करी थी। तो जो थर्ड है वो सी से मैच करता है। अब आते हैं जो बुद्धिज्म में जो बुद्धा थे उन्हीं को सिद्धार्थ कहा जाता था, ठीक है, और उनकी जो क्लैन थी वो क्या थी, शाक्यास, राइट। सिद्धार्थ वॉज बोर्न इन अ शाक्या ट्राइब जो कि लुम्बिनी में थी। तो यहां पे ए से मैच कर रहा है और बाकी बचा बुद्धिज्म। बुद्धिज्म अपने एट फोल्ड पाथ के बारे में जाना जाता है और एट फोल्ड पाथ के अंदर क्या क्या चीजें कही गई हैं वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। काफी इंपॉर्टेंट है एट फोल्ड पाथ जो कि बुद्धिज्म से रिलेट करता है, ये भी मुझे बताइएगा, राइट। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा डी क्योंकि फर्स्ट डी से, सेकंड बी से, थर्ड सी से, फोर्थ ए से मैच कर रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट महावीर जैन। महावीर जैन के बारे में यहां पे तीन स्टेटमेंट दिए और आपको क्या बताना है, इनकरेक्ट बताना है। ध्यान से पड़ेगा कि कौन सा कथन गलत है, सही नहीं पूछा है इस बार। तो यहां पे महावीरा के बारे में तीन स्टेटमेंट है। पहली क्या कहती है, महावीर बिलोंग टू ट्राइब्स ऑफ लिच्छवीज, तो लिच्छवी ट्राइब से वो आते थे, हो सकता है। ही प्रीच्ड इन संस्कृत लैंग्वेज, उन्होंने संस्कृत लैंग्वेज में पढ़ाया, ये भी हो सकता है। महावीरा बिलीव्स इन परफॉर्मिंग अ वैदिक सेरेमनी, तो वैदिक सेरेमनी में परफॉर्म करने में वो काफी बिलीव रखते थे, ये भी हो सकता है। तो उनका विश्वास था काफी वैदिक सेरेमनीज के अंदर। वीडियो को पॉज करिए, सोचिए इसके बारे में, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए तो मैं आपको बता दूं, महावीरा बिलोंग टू रिपब्लिकन ट्राइब ऑफ लिच्छवीज, तो लिच्छवी से आते थे, तो पहली स्टेटमेंट तो आपकी करेक्ट हो जाती है, ठीक है। लेकिन जो जैनिज्म थे वो कौन सी लैंग्वेज ज्यादातर बोलना प्रीफर करते थे और पढ़ाना भी उसी में प्रीफर करते थे, कॉमन पीपल की जो लैंग्वेज होती थी। लेकिन संस्कृत जो थी वो ब्राह्मण्स की लैंग्वेज थी और वो कॉमन पीपल की लैंग्वेज नहीं मानी जाती थी, अपर क्लास की लैंग्वेज उस टाइम के हिसाब से वो मानी जाती थी, ठीक है। और यहाँ पे जो लोग जैनिज्म को फॉलो करते थे वो लोग ज्यादातर अदर देन संस्कृत लैंग्वेज बोला करते थे, तो संस्कृत का यहां पे रोल नहीं था। तो सेकंड स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट हो जाती है। अब बात आती है कि वैदिक सेरेमनीज में कोई बिलीव था। देखिए वैदिक जो सेरेमनीज होती थी जो ब्राह्मण्स लोग तब के टाइम पर परफॉर्म किया करते थे, जो रिचुअल्स को परफॉर्म किया जाता था, उसी की वजह से ही बुद्धिज्म और जैनिज्म निकल के आए थे। क्योंकि काफी ज्यादा लोग जो थे वो वैदिक सेरेमनीज में, रिचुअल्स में, वैदिक रिचुअल्स के अंदर बिलीव नहीं रखा करते थे। उनको लगता था कि ये जो वैदिक रिचुअल्स हैं ये सब बेकार की चीजें हैं, और इसी वजह से एक ऑल्टरनेट ढूंढा गया और एक नया जो यहाँ पे रिलीजन था बुद्धिज्म और जैनिज्म ये निकल के आए। वैदिक रिचुअल्स के अंदर उनका बिलीव नहीं था, उनका बिलीव था कि आप काम सही करो, मतलब राइट एक्शन होना चाहिए, रिचुअल्स चाहे हो या ना हो, राइट। तो मतलब आपकी कॉन्शियस क्लियर होनी चाहिए और आपका काम सही होना चाहिए, चाहे आप वैदिक रिचुअल्स परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, दैट इज इमेटीरियल, ऐसा उनका मानना था। तो यहां पे सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगी। लेकिन देखिए आंसर में क्या पूछा गया था, इनकरेक्ट ही पूछा गया था, तो हमारा आंसर क्या होगा यहां पर, बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। काफी फैक्चुअल क्वेश्चन है, पता होना चाहिए आपको। अलेक्जेंडर डाइड इन, ये भी एनसीईआरटी में दिया गया था, तो क्वेश्चन बना दिया इसके ऊपर। पीएससी के एग्जाम्स के अंदर या फिर कंपेरेटिव एग्जाम्स दूसरे में आता है, यूपीएससी में इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, बट अगर आप दूसरे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए। अलेक्जेंडर डाइडिन, तो चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, और यूपीएससी में भी कभी भी अगर फैक्चुअल क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसमें कभी भी इस तरीके से नहीं होता है 625 BC, 624 BC, 623 BC, 622, वो इस तरीके से कभी भी ऑप्शन नहीं देते। इस तरीके के ऑप्शन देने की जो हैबिट होती है वो पीएससी एग्जाम्स वालों को होती है और दूसरे कंपेरेटिव एग्जाम्स वालों को होती है। हमेशा जो यूपीएससी अगर फैक्चुअल क्वेश्चन पूछेगा तो काफी डिफरेंस देगा ऑप्शन के अंदर, ताकि आप उसे सही तरीके से गेस कर पाए, राइट। तो यहां पर वीडियो को पॉज करिए, सोचिए इसके बारे में, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए तो यहां पे जो अलेक्जेंडर है, ही वॉज द ग्रीक किंग,
और काफी फेमस था ये अपने काफी सारे एक्सपेडिशंस के लिए। और जो डेथ हुई थी वो हुई थी 323 BC के अंदर आफ्टर ओवरथ्रोइंग पर्शियन एम्पायर फ्रॉम पंजाब। तो पंजाब से इन्होंने पर्शियंस को हटा दिया था, पूरी तरीके से निकाल दिया था, उसके बाद इनकी डेथ हुई थी। तो आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे सी। तो ये जो 323 BC है ये आपको पता होना चाहिए एग्जैक्ट, चाहे आप यहाँ पे ईयर मत याद रखिए, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि 300 BC के आसपास ही इनकी डेथ हुई थी। राइट, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मौर्यन एम्पायर। मौर्यन एम्पायर के ऊपर चार स्टेटमेंट दिए और आपको क्या बताना है कि इसमें से कौन सी करेक्ट है, कौन सा कथन सही है। पहला, चंद्रगुप्त मौर्य डिफीटेड द सेलेकस निक्टर। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको डिफीट किया था, सेलेकस निक्टर को डिफीट किया था हो सकता है। चंद्रगुप्त मौर्य एक्सटेंडेड हिज रीजन एज फार साउथ एज मैसूर, मैसूर तक उन्होंने अपने एम्पायर को बढ़ा दिया था हो सकता है। थर्ड, अशोका वॉज द ग्रेट ग्रैंडसन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। तो अशोका जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के ग्रेट ग्रैंडसन थे, ये भी हो सकते हैं। ड्यूरिंग द अशोका पीरियड ऑलमोस्ट द होल ऑफ इंडिया वॉज अंडर अ सिंगल रूलर फॉर द फर्स्ट टाइम इन द इंडियन हिस्ट्री। तो अशोका पीरियड के अंदर जब अशोका किंग हुआ करते थे ऑलमोस्ट पूरा भारत जो था वो उनके अंडर में था, और दैट वॉज द फर्स्ट टाइम जो उसकी हिस्ट्री में ऐसा हुआ था, ये भी हो सकता है। वीडियो को पॉज करिए, करेक्ट स्टेटमेंट आपको बतानी है, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए अब बात करते हैं पहली स्टेटमेंट की कि क्या चंद्रगुप्त ने सेकलेस निक्टर को हराया था। तो पहली स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है, इसको ही हराया था। अब बात आती है कि क्या अशोका के पीरियड में जो पूरा भारत था ऑलमोस्ट दैट वाज द फर्स्ट टाइम इंडियन हिस्ट्री के अंदर कि एक सिंगल रूलर के अंडर में आ गया। तो फोर्थ स्टेटमेंट भी हमारी करेक्ट है, लेकिन सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है, बिकॉज चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर नहीं, चंद्रगुप्त के बेटे थे बिंदुसरा उनके टाइम पर जो एक्सटेंशन हुआ था वो मैसूर तक हो गया था, और बाद में अशोका जो थे उनके ग्रेट ग्रैंडसन नहीं थे, अशोक वॉज द ग्रैंड सन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। याद रखने का तरीका कुछ इस तरीके से, CBA दैट इज ABC का उल्टा लिख लीजिए, पहले थे चंद्रगुप्त मौर्य और फिर थे बिंदुसरा और फिर थे अशोका। राइट, तो अशोका बिंदुसरा के बेटे थे और बिंदुसरा चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे थे, तो चंद्रगुप्त जो है वो अशोका के ग्रैंडफादर हो गए। तो सेकंड थर्ड स्टेटमेंट आपकी यहां पे इनकरेक्ट हो जाती है। मैं आपको ये भी बता दूं उस टाइम काफी सारे किंग्स जो थे वो जैनिज्म बुद्धिज्म को सपोर्ट करते थे, और यहां पर चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर जो प्रमोशन किया गया था वो किया गया था बुद्धिज्म का। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। हमारा जो आंसर होगा वो होगा ए, फर्स्ट एंड फोर्थ स्टेटमेंट आर करेक्ट। देन चलते हैं धर्म महामंत्रा वर। तो धर्म महामंत्रा वर कौन थे ये पूछा गया। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, ग्रुप नॉलेजेबल पीपल, तो नॉलेजेबल लोगों का एक ग्रुप था, ग्रुप ऑफ पीपल वर्किंग इन समिति, समितिज में काम करने वाले लोगों का एक ग्रुप था, ग्रुप ऑफ ऑफिसर्स रिस्पेक्टिंग द लोकल वर्क, तो कुछ ऐसे लोकल वर्क में रिस्पेक्ट करने वाले ऑफिसर्स का कोई ग्रुप था, और ग्रुप ऑफ पीपल वर्किंग इन सभा, सभा में काम करने वाले लोगों का एक ग्रुप था। वीडियो को पॉज करिए। चलिए, तो धर्म महामात्रा कौन थे। धर्म महामात्रा ऐसे ऑफिसर्स का एक ग्रुप था जो जगह जगह पर जाते थे, लोगों के ग्रीवांसेस को सुनते थे, उनकी कंप्लेंट्स को सुनते थे, उनको इन्फ्लुएंस करते थे और परसुएट करते थे कि जो धर्म है उनको फॉलो किया जाए और लोगों को एक दूसरे के साथ पीसफुली रहना चाहिए। यह सब हो रहा था अशोका के पीरियड में। राइट, तो धर्म महामात्रा कौन थे, ये ऑफिसर्स का एक ग्रुप था जो कि जगह जगह जाकर लोगों को परसुएट करता था कि उनको पीसफुली एक दूसरे के साथ रहना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स और आपको बतानी है कि इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। यहाँ पे तीन स्टेटमेंट आपको दी गई है। पहली स्टेटमेंट क्या कहती है, कौटिल्य एंड मेगास्थनीज वर कंटेम्प्रेरी। कौटिल्य और मेगास्थनीज जो थे वो समकालीन थे, एक ही टाइम के जो व्यक्ति थे हो सकता है। अशोका वॉज द लास्ट पावरफुल एम्परर ऑफ द मौर्यन डायनेस्टी। तो ये जो अशोका थे वो लास्ट पावरफुल एक किंग कह सकते हैं उनको, जो मौर्यन डायनेस्टी से आते थे, उनके बाद ज्यादा कोई शक्तिशाली किंग नहीं आया। मेगास्थनीज वॉज द एम्बेसडर ऑफ अलेक्जेंडर। मेगास्थनीज जो था वो अलेक्जेंडर का एम्बेसडर था, ये भी हो सकता है, उसका एक राजदूत था, ये भी हो सकता है। वीडियो को पॉज करिए, सोचिए, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, तो यहां पे कौटिल्य और मेगास्थनीज की बात करें, तो मेगास्थनीज मैं आपको बता दूं ही वाज द एम्बेसडर ऑफ सेलेकस निक्टर। तो सेलेकस निक्टर के वो राजदूत थे मेगास्थनीज, ना कि सिकंदर के। तो थर्ड स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट हो जाती है, लेकिन मेगास्थनीज और कौटिल्य जो थे, कौटिल्य को किस और नाम से जाना चाहता है ये मुझे आप कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कौटिल्य को दो और नाम है कौटिल्य के, जिससे उनको काफी फेमस तरीके से जाना जाता है। तो ये जो दोनों थे ये दोनों ही कंटेम्परेरीज थे, समकालीन थे, तो पहली स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हो जाती है। अशोका जो थे काफी पावरफुल किंग थे और उनके बाद ऐसा कोई किंग नहीं आया जो उनके जितना पावरफुल हो, तो सेकंड स्टेटमेंट भी हमारी करेक्ट हो जाती है। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा डी, बिकॉज फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। आज के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मौर्यन डायनेस्टी वाज एंडेड बाय, तो मौर्यन डायनेस्टी को किसने खत्म किया, क्या वो चोला डायनेस्टी ने किया, हर्यंका डायनेस्टी ने, शुंगा डायनेस्टी ने, या फिर नन ऑफ द अबव। वीडियो को पॉज करिए, सोचिए, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, तो लास्ट मौर्यन किंग जिसकी हत्या करी गई थी, जिसको मारा गया था, दैट वाज डन बाय पुष्यमित्र शुंग।
हु स्टार्टेड द शुंगा डायनेस्टी इन मगध? तो यहां पे शुंगा डायनेस्टी इसका आंसर होगा, आंसर इज सी, राइट। एक बार रीकैप कर लेते हैं विद इन टू मिनट्स, क्योंकि काफी फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं इनिशियल एनसीईआरटी में, खासतौर पे एनसीईआरटी में तो, और हिस्ट्री की एनसीईआरटी में तो खासतौर पर काफी फैक्ट्स होते हैं, तो आपको मल्टीपल टाइम रिविजन करना होगा, इसको रीकैप को मिस मत करिएगा। तो सबसे पहले हमने देखा था कि 500 बीसी के आसपास पेजेंट्स पे टैक्स कितना लगाया जाता था, हमारा आंसर था 1/6, कुछ जगह पर 1/4 to 1/6 भी लिखा हुआ था, तो ध्यान रखिएगा इसको। फिर हमने वेरियस प्लेसेस देखे थे कि वत्सा कहां पर है, अंगा, कोसला, और हमारा गांधार कहां पर है, गांधार हमारा नॉर्थ वेस्ट में था, कोसला नॉर्थ में था, फिर हमारा जो वत्सा है वो सेंट्रल में था, अंगा और वज्जी जो है हमारा ईस्ट में था, याद रखिएगा। फिर हमने देखा था महावीर और बुद्धा जो थे कंटेम्प्रेरीज थे, दोनों ही नॉन वायलेंस को प्रीच करते थे। फिर हमने देखा कि महावीरा जो थे वो वैशाली में उनका जन्म हुआ था, और जैनिज्म ने राइट फेथ राइट नॉलेज राइट एक्शन के बारे में बात करी थी। एट फोल्ड पाथ जो था वो बुद्धिज्म ने दिया था, और वो बुद्धा ने को सिद्धार्था भी कहते थे, जो कि शाक्यास क्लैन से आते थे। फिर हमने डिस्कस किया था महावीर जैन के बारे में, लिच्छवी ट्राइब से वो आते थे, संस्कृत लैंग्वेज को ज्यादा फॉलो नहीं किया जाता था उस टाइम, आम लोगों की भाषा को उस टाइम यूज किया जाता था, और वैदिक सेरेमनीज को परफॉर्म नहीं किया जाता था। इसके बाद अलेक्जेंडर के बारे में देखा, तो जो डेथ हुई वो 323 बीसी में हुई, लेकिन तब तक पंजाब से पर्शियंस को निकाल दिया गया था। इसके बाद अशोका और मौर्यन एम्पायर के बारे में देखा, चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको हराया था, सेकलेस निक्टर को हराया था, और इसके अलावा सिंगल रूलर अशोका के टाइम में ऐसा हुआ था कि जब एक सिंगल रूलर के अंडर में ऑलमोस्ट पूरा इंडिया जो था वो रूल किया जा रहा था। अशोका जो थे वो किसके बेटे थे, मैंने आपको एबीसी मेथड भी बता दिया किस तरीके से याद रखना है। चंद्रगुप्त मौर्य जो थे उन्होंने साउथ में एक्सटेंड नहीं किया था, उनके बेटे बिंदुसरा ने किया था मैसूर तक। फिर धर्म महामात्रा कौन थे, ऑफिसर्स थे जो कि जगह जगह जाकर ग्रावेंसेज जो होते थे लोगों के, जो कंप्लेन्स होती थी उनको सुना करते थे, उनको परसुएड भी किया करते थे कि आपस में भाईचारे के साथ रहो, पीसफुली एक दूसरे के साथ रहो, और ये सभी चीजें अशोका के रूल के अंदर हो रही थी। फिर हमने डिस्कस किया कौटिल्य और मेगस्थनीज जो कि कंटेम्प्रेरीज थे, और मेगस्थनीज जो थे वो अलेक्जेंडर के नहीं, वो थे सेकलेस निक्टर के एम्बेसडर राजदूत, राइट। अशोका वाज द मोस्ट पावरफुल रूलर मौर्य डायनेस्टी के, उनके बाद ज्यादा पावरफुल रूलर्स आए नहीं, और जो मौर्यन एम्पायर थी उसको खत्म किसने किया, उसको किया पुष्यमित्र शुंगा ने, जिन्होंने मगध में शुंगा डायनेस्टी को स्टार्ट किया। चलिए यहाँ पे रीकैप हमारा कंप्लीट होता है, एक बार मार्क्स देख लेते हैं। तो अगर आपने अपर टू ब्रैकेट्स में स्कोर किया है कांग्रेचुलेशंस, मार्क्स आपके सही हैं। नीचे के ब्रैकेट्स में कि इवन देन इट इज ऑलराइट, देखिए कि गलती कहाँ पर हुई, उसे एनालाइज करिए कि कहाँ पे आपकी गलती हुई, और कोशिश करिए उसको नोट्स बना लीजिए, मल्टीपल टाइम रिवाइज करिए, मल्टीपल टाइम एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करिए, ताकि जब यूपीएससी का एग्जाम आता है वहां पर इस तरीके की मिस्टेक्स आपसे ना हो। इफ यू वांट टू कॉन्टैक्ट मी, आपका कोई भी डाउट है उसके बारे में रिडर्सल चाहिए, तो आपको टेलीग्राम के थ्रू मुझसे जुड़ सकते हैं। नीचे इंस्टाग्राम फेसबुक का लिंक भी दिया है डिस्क्रिप्शन में, वहां पर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलते रहे जैसे ही हम वीडियो को डालते हैं, चाहे वो एनसीईआरटी के एमसीक्यूज हो, लक्ष्मीकांत के एमसीक्यूज हो, स्पेक्ट्रम के एमसीक्यूज हो, वो आपके नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।